नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ आज एक कस्टमर के घर पे और इनके घर पे ये वाला गीजर लगाया हुआ है। इसके ऊपर देखो एक थर्मोस्टेट के लिए बटन भी दिया हुआ है। इसके सारे स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर दिए हुए है। इसके कंपनी का नाम है मॉर्फी रिचर्ड्स और ये लिए फी वो ऐसा समथिंग इसका मॉडल नंबर है। ये मॉर्फी रिचर्ड मुझे तो अंग्रेजों वाला नाम लग रहा है और किधर की कंपनी है मुझे पता नहीं। मैं बाहर की कंपनी को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है इसे रेकॉर्ड बजाज गीजर बनाने वाली। तो इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन देख लो, इसके अंदर TCU है, पहले सप्लाई अपना जो TCU है मतलब थर्मल कटअप इसके अंदर इन होता है, बाद में वही सप्लाई अपने थर्मोस्टेट में जाके फिर बाद में कॉइल में जा रहा है, मतलब नॉर्मल गीजर जैसे ही काम कर रहा है। तो आप बोले सर फिर PCB क्यों लगाया हुआ है? PCB और एक सेंसर लगाया हुआ है जिसका यूज़ करके आप इसके अंदर इसका PCB लगाने का मकसद इतना ही बस, PCB मतलब एक डिस्प्ले इसके अंदर और एक ये अपना ट्रांसफार्मर लगा के इसको DC वोल्टेज बना दिया है और एक सेंसर लगा दिया। ये देखो एक सेंसर लगाया हुआ है इसके अंदर। इसका मकसद इतना ही है कि खाली टेम्परेचर नाप के इधर डिस्प्ले के ऊपर शो कर दे कस्टमर को, ये ना कि टेम्परेचर अपन जैसे कि यूस्मिथ में वगैरह आता है या रेकॉर्ड में भी कुछ मॉडल में आता है कि जैसे टेम्परेचर अपन सेट कर सकते हैं कितना टेम्परेचर चाहिए, वैसे टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। इधर नॉर्मल वाला अपना सादा थर्मोस्टेट है, इसके यूज करके टेम्परेचर कम ज्यादा तो कर सकते हो आप, राइट। तो ये गीजर है, तो इसमें एक्चुअली ये PCB रिपेयरिंग करने के लिए लेके आए थे हम उधर से निकाल के, क्योंकि ये डेड था। कस्टमर बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है भैया और पानी भी गर्म नहीं कर रहा है और अभी ठंड का मौसम चालू होने वाला है तो कस्टमर को तो नहाने की ज़रूरत है तो उसको तो चाहिए गर्म पानी, तो गर्म पानी चाहिए तो अपने तो इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो अपन ने इसको रिपेयर कर दिया, तो रिपेयर करके इसके अंदर का ये जो ट्रांसफार्मर था ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया था तो इसके जगह पे 012 का ट्रांसफार्मर डाल दिया अपन। ये ट्रांसफार्मर डालने के बाद ये जो सेंसर है, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर इस सेंसर के ऊपर लिखा हुआ है 50 किलो ओम, लेकिन अगर मैंने इसको एक्चुअल में भी वैल्यू चेक करके देखी, वैल्यू चेक करने के बाद इधर देखो 50K लिखा हुआ है, राइट। फिर 50K इसका मॉडल नंबर है, मतलब सेंसर का कुछ सिग्निफिकेंट नंबर दिया हुआ है या किलो ओम लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन 37 किलो ओम दिखा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस पे 40 या 45 किलो ओम के करीब का सेंसर रहेगा, 40 ही रहेगा एक्चुअल में ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें ये डिस्प्ले एक काम खाली टेम्परेचर दिखाना है, ना कि ये टेम्परेचर आप बटन दबा के इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको रिमोट भी नहीं है। तो अपन इसका जो इनपुट सप्लाई की जगह पे इधर लाइन न्यूट्रल दे देंगे 220 वोल्टेज और मैं इसको आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये अपना चालू हो गया है, राइट। ये देखो, राइट, ये देख सकते हो ये चालू हो गया है और इसके अंदर ये डिस्प्ले को थोड़ा इस साइड में ले देता हूँ। आप देख सकते हो इस पर टेम्परेचर भी शो कर रहा है। तो ये मॉर्फी रिचर्ड कंपनी का गीजर है, मॉर्फी और रिचर्ड ये अंग्रेजों वाले नाम है, अंग्रेजों से थोड़ी नफरत है अपने को क्योंकि वो बहुत तकलीफ दिया साला उन लोगों ने अपने को मतलब अपने कंट्री को। तो अभी इधर देखो ये 00 ब्लिंक कर रहा है, मैंने सेंसर हटा दिया ताकि सेंसर हटाने के बाद सेंसर का कौन सा एरर आ रहा है ये अपने को देखना है। तो अभी तक तो एरर नहीं आ रहा है, 00 ब्लिंकिंग कर रहा है, शायद हो सकता है ऐसा ही ब्लिंकिंग करता होगा सेंसर खराब होने के बाद। अगर आपको कभी मॉर्फी रिचर्ड का गीजर मिला और वो इस तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए या टेम्परेचर नहीं, ये इस कंडीशन में भी काम करेगा। अभी जो ब्लिंकिंग कर रहा है इस कंडीशन में भी सप्लाई देने के बाद वो काम करेगा, खाली टेम्परेचर शो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आप इसको क्या कर सकते हो, इसका सेंसर चेंज कर सकते हो और यहाँ पे मैं जैसे कि बोला कि 32 डिग्री सेल्सियस पे 37 किलो ओम दिखा रहा है, मतलब 40 किलो ओम का सेंसर यहाँ पे आप डाल सकते हो, राइट। उसके बाद इसके अंदर मैं सेंसर को गर्म करके ठंडा करके भी दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है क्या। 32 डिग्री सेल्सियस 33 डिग्री सेल्सियस इधर दिखा रहा है तो मैं सेंसर को थोड़ा घिस देता हूँ, राइट। और घिसने के बाद आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि सेंसर अपना सही तरीके से सेंस कर रहा है, राइट। तो मैंने इसको घिसने के बाद अभी तक तो खाली 34 हुआ है, 35 हुआ है, ये देखो 35-36 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंसर वगैरह सही से काम कर रहा है, इसके अंदर अभी कुछ भी दिक्कत नहीं। तो अभी अपन इसको बिठा सकते हो, बिठाने के बाद कस्टमर के घर में और मैं एक छोटा सा वीडियो निकाल के आपको दिखा दूंगा। इधर इंडिकेटर भी देख सकते हो आप, शायद ये इंडिकेटर आपको दिखेगी नहीं लेकिन ये ग्लो हो रही है, ये देखो ये दोनों भी इंडिकेटर ग्लो हो रहे हैं, राइट। अगर इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, आपके भी अगर गीजर का PCB वगैरह रिपेयर करना है कौन से भी कंपनी का गीजर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आप पुणे में हो, आपको AC गीजर या जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक स्टोव वगैरह कुछ रिपेयर करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, थैंक यू। इसको अभी कस्टमर के घर में लगा दिया है, PCB वगैरह सारी चीज़ें पाइप वगैरह सब फिक्स कर दिया है, गीजर को चालू भी कर दिया है। अभी देखो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, अभी अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कुछ इशू नहीं है। अगर आपको भी इस तरीके से रिपेयर करना है तो कमेंट कर दीजिए। ऐसा है अभी पूरा गीजर आप देख सकते हो, जैसे इसका 15 लीटर कैपेसिटी है और ये मॉर्फी रिचर्ड्स ये मैन्युफैक्चरिंग बजाज करता है शायद इसके लिए इधर इंडिया में। तो अभी थोड़ा